खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन उससे पहले आज राजनीति के दिग्गजों के बीच ब्लॉकबस्टर टक्कर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए। आरोपों की इतनी तेज धार इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को खोखली मीनार करार दिया, तो जवाब में प्रधानमंत्री ने एक शेर सुनाया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पर निशाना साध दिया गया। चार चरणों के चुनाव के बाद तीखी हो गई जुबानी जंग। जो हमारी पोलिंग हो रही है वो काफी क्लियरली बता रही है कि बीजेपी चुनाव हार गई। महा मिलावटी लोग आपका ये उत्साह देख लेंगे तो चुनाव का मैदान ही छोड़ने की सोचने लगेंगे। पांचवें चरण के चुनाव से पहले तेज हो गई हर हमले की धार। नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी ने डिमोलिश कर दिया है और जहां जहां महामिलावटी होंगे वहां वहां भ्रष्टाचार होगा। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच अब तक का सबसे धारदार वार पलटवार। 23 मई को नतीजे आने के 18 दिन पहले और पांचवें चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले देश के दो दिग्गज राजनेताओं की जुबानी जंग ने लोकसभा चुनाव में नई लहर पैदा कर दी है। आरोप प्रत्यारोप तो पहले भी लगते रहे, वार पलटवार भी जमकर हुए हैं, लेकिन चार दौर के मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई अलग ही रूप ले रही है। दोनों पार्टियों की तरफ से मोर्चा संभाला है उन दो चेहरों ने जिनके नाम पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। देखिए, 5 साल पहले आप सबने कहा था कि नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता है। आप सबने कहा था नरेंद्र मोदी 10-15 साल राज करेगा। नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी ने डिमोलिश कर दिया है। ये अब जो ढांचा खड़ा है ये खोखला है और ये 10-15 दिन 20 दिन में ये गिरने वाला है। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। न मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने दावा किया कि बीजेपी चुनाव में बुरी तरह हारने जा रही है। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतापगढ़ की रैली की तो उनके भाषण में राहुल के हर वार का पलटवार दिखा। इलेक्शन आधे से ज्यादा खत्म हो गया है और क्लियर कट फीलिंग है कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। मेन मुद्दे रोजगार, किसान, प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार, इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण, और ये काफी क्लियर है। हमारा इंटरनल असेसमेंट और जनरल जो हमारी पोलिंग हो रही है वो काफी क्लियरली बता रही है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। अब पांचवें चरण से पहले ये महामिलावटी लोग अगर आपका ये उत्साह देख लेंगे तो चुनाव का मैदान ही छोड़ने की सोचने लगेंगे। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार, महागठबंधन और चुनाव में सेना के इस्तेमाल के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, तो बाद में पीएम मोदी ने हर मुद्दे पर कांग्रेस और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। आपने कहा था और आप लोगों ने कहा था, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री इज अ क्रूसेडर फॉर करप्शन, और आज आप ही लोग, और मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, आप ही लोग मेरे कान में आके कहते हो चौकीदार चोर है। महामिलावट के
इस पंजे के पांच भयानक खतरे हैं। ये महामिलावट के इस पंजे के पांच भयानक खतरे हैं। पहला खतरा भ्रष्टाचार, दूसरा खतरा अस्थिरता, तीसरा खतरा जातिवाद, चौथा खतरा वंशवाद, पांचवा खतरा कुशासन। साथियों, जहां ये महामिलावटी होंगे, जैसे कहते हैं ना, धुआं है तो कहीं ना कहीं आग होगी, उसी प्रकार से जहां जहां भ्रष्टाचार होगा तो मान लेना ये महामिलावटी लोग होंगे, और जहां जहां महामिलावटी होंगे वहां वहां भ्रष्टाचार होगा। देखिए, हमारा पहला लक्ष्य बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को हराने का है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाने का है। और हमने हमारी पोजीशन क्लियर कर दी है, चुनाव से पहले हम इन चीजों की बात नहीं करने जा रहे हैं। चुनाव के बाद जब रिजल्ट्स पता लग जाएंगे फिर हम वो बात करेंगे, क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्ट करता है। हम आज नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे हैं और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अंडर करंट है और बीजेपी हारने जा रही है, और हम पूरा दम लगा के कोऑपरेट करके वो काम कर रहे हैं। साथियों, अब ये साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उठा लिया, चालाकी की, उनको अंधेरे में रखा, बड़ी बड़ी मान सम्मान की बातें की, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे ये भी कह दिया, लेकिन पीछे से अब बहन जी को समझ आ गया है कि ये सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ा खेल खेला है। चार चरणों के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस और महागठबंधन दोनों थे, लेकिन प्रतापगढ़ की रैली में पीएम मोदी ने चुनावी बाजी में नया पत्ता फेंक दिया। यूपी में महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ रही कांग्रेस पर पीएम ने गंभीर आरोप लगाए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जाल फेंकने की कोशिश की। अब आप देखिए, बहन जी खुलेआम कांग्रेस की आलोचना करती है, नामदार की आलोचना करती है, उनकी नीतियों की आलोचना करती है, कांग्रेस को कोसती है, लेकिन दूसरी तरफ बहन जी के साथ गठबंधन करने वाले लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह कांग्रेस के मुद्दे पर चुप है, कांग्रेस पर नरमी दिखा रही है। बची कांग्रेस तो उसके नेता खुशी खुशी समाजवादी पार्टी की रैलियों में मंच साझा कर रहे हैं। बहन जी को ऐसा धोखा इन लोगों ने दिया है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। मायावती पर मोदी का यह बयान खास मौके पर आया है। अमेठी और रायबरेली में महागठबंधन ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी यूपी में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस की रैलियों में एसपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी मायावती को खटक सकती है। अमेठी की कोरबा में राहुल गांधी एक महिला सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे तो वहां समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता राहुल से मिलने पहुंच गए। राहुल पहले तो अंदर चले गए लेकिन बाद में एसपी कार्यकर्ताओं से मिलने बाहर आए। महागठबंधन और कांग्रेस के इस रिश्ते पर भी पीएम ने तंज कसा। जो पार्टी पहले चरण के मतदान से पहले खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बता रही थी, वो ये मानने लगी है कि हम तो यूपी में सिर्फ
वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वोट कटाऊ पार्टी बन गए हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने एक बार फिर चौकीदार चोर है का जिक्र किया और दावा किया कि जनता मोदी सरकार के भ्रष्टाचार से अच्छी तरह वाकिफ है। जवाब में पीएम ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने वाली वार पलटवार के पहले दौर के बाद दोनों योद्धाओं की लड़ाई का मैदान बदल गया। राहुल सुल्तानपुरी में रैली करने पहुंचे तो पीएम ने बस्ती की चुनावी सभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं भाषण में कभी कभी चौकीदार का शब्द का प्रयोग कर देता हूं। जैसे ही व्यक्ति चौकीदार कहता है हिंदुस्तान में आज, जैसे देखिए चौकीदार, फट से जवाब मिलता है। अब हम सब चौकीदारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक चौकीदार की बात कर रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, दिल्ली दूरस्थ यानी दिल्ली दूर है। भ्रष्टाचारियों के लिए दिल्ली दूर है, वंशवादियों के लिए जातिवादियों के लिए। और नरेंद्र मोदी का जो गुब्बारा था ना, पहले हमारे ये जो मित्र हैं प्रेस वाले, इसमें बहुत गैस भरती थी, इन लोगों ने उड़ा रहे थे ऊपर, उसमें पिन मारकर जो ठपाक आवाज आई है कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों ने की है। अब इसको नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान परे करने जा रहा है। आपने इनका चौड़ा चेहरा देखा होगा, पहले ऐसे बात करते थे, 56 इंच की छाती है ना, 56 इंच की छाती है यूं। अब मैंने लोकसभा में इनसे सवाल पूछा, भैया चार सवालों के जवाब दे दो, 56 इंच की छाती है, चार सवालों के जवाब दे दो भैया। अनिल अंबानी को ये राफेल क्यों दिया, 1600 हजार करोड़ रुपए में हवाई जहाज क्यों खरीदा, 526 करोड़ का हवाई जहाज ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनवा रहे हो, HCL से क्यों छीना। वो 56 इंच वाले चौकीदार 1.5 घंटा भाषण दिया उन्हें लोकसभा में, आपने देखा होगा, मगर ऐसे नहीं दे रहे थे, कभी यूं देखें ऊपर, कभी नीचे देखें, कभी यूं करें, दम नहीं है। मुझे पानी पी पी कर गालियां देने के बाद जब ये लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो अब मेरी छवि को कुचलना चाहते हैं। नामदार, कान खोल करके सुन लो, ये मोदी सोने की चमच लेके पैदा नहीं हुआ है, ये मोदी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है, ये मोदी भारत मां की धूल फाक फाक करके बड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच शनिवार की ब्लॉकबस्टर टक्कर का असर बाकी बचे तीनों चरणों के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के दूसरे नेता इन्हीं बयानों के सहारे एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या बयानों के वार पलटवार से मतदाता का मन बदलेगा